तो यार गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ कपूर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड डे ऑफ दिस सी ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने पहला डे स्टार्ट किया था, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी टेक्नोलॉजी पढ़ी थी प्रोग्रामिंग की, जिसमें देखा कि एक ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कितने टाइप ऑफ ट्रांसलेटर होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है ट्रांसलेटर्स का, और उनका डिफरेंस क्या होता है तीनों के बीच में, तो कंपाइलर था इंटरप्रेटर था, उनके पीछे डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद हमने देखा एक लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, फिर हम लोगों ने एल्गोरिदम पढ़ा, एग्जाम्पल देखे एल्गोरिदम्स के, सीडो कोड भी देखा था और फ्लो चार्ट भी देखा था। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोग एल्गोरिदम के थ्रू एक प्रोग्राम में कैसे जाते हैं। तो उस स्लाइड पे आते हैं हम लोग, सर वो स्लाइड पाइए कल के बाद वाली। तो बेसिकली हम लोग कोई भी एल्गोरिदम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें कोई प्रोग्राम बनाना है। अब डायरेक्टली अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक करने वाले हैं हम लोग। हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, कौन सा रूट यूज़ करने वाले हैं उस टास्क को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एल्गोरिदम बना लेते हैं। एल्गोरिदम मतलब कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। तो उन स्टेप्स को हमने एक साइड पे लिख लिया, फिर उसके थ्रू हम लोग एक प्रॉपर प्रोग्राम पे जाते हैं, जिसको हम लोग एक सोर्स कोड भी बोल सकते हैं। तो स्लाइड पे देख रहे हो जैसे लिखा है एल्गोरिदम टू प्रोग्राम, मतलब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक एल्गोरिदम से हम लोग एक प्रोग्राम की तरह ट्रांजेक्शन करते हैं। तो एल्गोरिदम तो पता ही है क्या होता है, स्टेप ऑफ मतलब ये एक कलेक्शन होता है स्टेप का, जिसमें हम लोग दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। तो यार बेसिकली जैसे एक प्रोग्राम एल्गोरिदम लिखा है ऐड टू नंबर का, कल बताया था मैंने कैसे करते हैं, एक एल्गोरिदम लिखते हैं दो नंबर को ऐड करने का। तो वो हम लोग का एल्गोरिदम लिखा हुआ है। इससे हम लोग क्या किया स्टेप वन में कि ए और बी को इनपुट करा लिया है, और स्टेप टू में क्या किया है कि ए प्लस, सर क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख तो रहा है, नेट तुम्हारा प्रॉब्लम कर रहा होगा थोड़ा, क्लियर आ रहा है, रिकनेक्ट करके देख लो एक बार अगर नहीं दिख रहा है सही से। हाँ ठीक, तो स्टेप टू में देखो कि लिखा है कि सेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब हम लोगों ने सम की वैल्यू में ए और बी का एडिशन स्टोर करा दिया, तो दो नंबर ऐड हो गए हम लोग को। अब सिंपली हम लोग सम को प्रिंट करा देंगे। अब प्रिंट कराना या राइट कराना या डिस्प्ले कराना, तीनों एक ही चीज़ है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग स्टेप थ्री में। तो देखो यहाँ स्टेप थ्री में लिखा है राइट सम, और फिर फोर्थ स्टेप कर दिया लोगों ने एग्जिट। तो हम लोग का एक छोटा सा एल्गोरिदम हो गया दो नंबर को ऐड कराने का। अब बात आती है कि हम लोग कैसे एक एल्गोरिदम से एक प्रॉपर प्रोग्राम की तरफ ट्रांजेक्ट करने वाले हैं। तो यार पहला स्टेप जो देख रहे एल्गोरिदम में, वो सिंपली ये लिखा है कि हम लोग को दो नंबर का इनपुट लेना है। तो हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम लोग उसमें दो नंबर का इनपुट लेने वाले हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट ऐसे करते हैं, तो सोर्स कोड लिखा है राइट साइड, उसमें तो पहले यार देखो कुछ फाइल का इंक्लूजन किया है, वो लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में जस्ट जानने वाले हैं। बस ये समझो कि जो पहली लाइन लिखी है हम लोग को लिखनी पड़ती है हर एक प्रोग्राम में, ठीक। उसके बाद क्या है, इंट मेन लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है, ये फंक्शन है हम लोग का। अब एक चीज़ याद रखना, कोई भी प्रोग्राम बनाओ अगर सर सी में, सर हर प्रोग्राम में सेम ही लाइन लिखी जाएगी फर्स्ट लाइन में? फर्स्ट लाइन हर, देखो यूजुअली हम लोग यही लाइन यूज करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। अगर हम लोग प्रोग्राम में थोड़े कुछ और मेथड यूज हो रहे हैं, जैसे मान लो स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करना है हम लोग को, तो उसमें हम लोग और भी फाइल्स देते हैं। मतलब जो पहली लाइन लिखी ना ये तो सब में यूज होता है, इसके अलावा भी होती है लेकिन वो हम लोग यहाँ पे ओके यूज नहीं करते हैं क्योंकि मतलब यूज नहीं है यहाँ पे अभी फिलहाल, ठीक। ये जो stdio लिखा है ना, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये यूज क्यों होती है, सिंपली कोई भी नंबर्स का इनपुट लेने के लिए और कोई भी नंबर का आउटपुट देने के लिए। तो इसका यूज़ हर एक प्रोग्राम में हम करने वाले हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल का। तो पहली लाइन तो वो हो गई हम लोग की। जो दूसरी लाइन में जो इंट मेन लिखा है, ये फंक्शन होता है हम लोग का, और जो मेन फंक्शन है, जो मेन लिखा है ना, ये देखो ब्लू 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 लिखा है मेन, ये हम लोग का एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का। मतलब कोई भी प्रोग्राम हम लोग का अगर रन हो रहा है तो यहीं से एंटर होता है रन, मतलब जो कंट्रोल होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल वो यहीं से स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से ही, ठीक। तो अब मेन फंक्शन के अंदर क्या है, हम लोग देखो इंट ए कॉमा बी कॉमा सम। अब ये क्या है, मैंने बताया था कल कि वेरिएबल यूज़ करते हैं हम लोग नंबर को स्टोर कराने के लिए, तो हम लोगों ने उन्हीं नंबर को डिक्लेयर किया है। अब देखो यार प्रोग्राम कंप्यूटर में क्या होता है कि कोई भी अगर हम लोग वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी नंबर यूज़ करने वाले हैं, तो उसको नंबर को यूज़ करने के पहले हमें उस नंबर को कुछ ना कुछ मेमोरी प्रोवाइड करनी होती है। कंप्यूटर में करेंगे तो वो स्टोर होने ही वाला है, वरना उस पर काम कैसे करेंगे, ठीक। तो इसीलिए हम लोग पहले उन नंबर को मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, और मेमोरी कैसे प्रोवाइड करते हैं, उनको डिक्लेयर करके। और डिक्लेयर कैसे किया है, देखो लिखा है उनका नाम, इंट लिख दिया, इंट मतलब उनका किस टाइप का डेटा,
इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए हमने इंट लिखा, फिर उस वेरिएबल का नाम लिख दिया, वेरिएबल क्या है ए, तो इंट ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, फिर बी भी डिक्लेयर हो गया, फिर सम भी डिक्लेयर हो गया। अब हम लोग का जो तो एल्गोरिथम का पहला स्टेप था रीड ए कॉमा बी, मतलब ए और बी की वैल्यू लेना, वो हमने यहाँ पे प्रोग्राम में लिख दिया क्या कि इंटीजर ए और बी डिक्लेयर हो गया है। ठीक, अब इसके बाद हमको जो स्टेप वन था उसको एग्जीक्यूट कराना है, मतलब इनपुट लेना है ए और बी का, तो वो करने के लिए हम लोगों ने देखो प्रिंट एफ लिखा। अच्छा देखो प्रिंट एफ क्या, आप लोग ये सोचेंगे प्रिंट एफ भी एक फंक्शन ही है, अब इसके बारे में अभी ज़्यादा समझो अभी आगे बताऊंगा, मैं आज ही बताने वाला हूँ कि प्रिंट एफ क्या होता है, स्कैन एफ क्या होता है। बस ये समझो जो प्रिंट एफ के अंदर जो चीज़ लिखी है एंटर टू नंबर, वो हम लोग का डिस्प्ले में प्रिंट होके आने वाला है, आउटपुट देगा हमको ये लिख के आने वाला है कि एंटर टू नंबर। ठीक, अब जो स्कैन एफ है ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो स्कैन एफ फंक्शन है ये हम लोग का इनपुट लेता है। इनपुट मतलब कैसे लेता है, जैसे मान लो हम लोग को सर्कल वाला क्वेश्चन था कल कि हम लोग को सर्कल का एरिया प्रिंट कराना है, एरिया के पहले हम लोग को रेडियस तो चाहिए होगा सर्कल का, तो अब रेडियस कैसे हम लोग लेंगे, तो वो स्कैन एफ के थ्रू लेते हैं। जो स्कैन एफ फंक्शन है वो क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यूजर से मांगता है, कहता है कि इस वैल्यू को इनपुट करो। तो हम लोगों ने देखो ए और बी की वैल्यू लिखा है ना स्कैन एफ के अंदर, देखो एम्परसेंट ए कॉमा एम्परसेंट बी, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ए और बी की वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे स्कैन एफ के थ्रू। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि ए और बी की वैल्यू को इनपुट करा लिया। तो जब स्टेप थ्री आ रहा है, मतलब स्टेप टू था एल्गोरिथम का, उसमें लिखा था सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का जो सम है वो हम लोगों ने सम के अंदर स्टोर करा दिया। तो हमने देखो वही लिखा है राइट साइड सीडो मतलब सोर्स कोड में कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का सम स्टोर हो गया अब सम में। अब फाइनल जो स्टेप है उसमें लिखा है राइट सम या डिस्प्ले सम या तो प्रिंट सम, मतलब हम लोग को अब उस सम को प्रिंट कराना है। अब वो कैसे कराते हैं, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो है प्रिंट का, तो उसमें हमने लिख दिया प्रिंट एफ, उसके अंदर हम लोगों ने देखो सम को प्रिंट करा दिया। और लास्ट में लिखा है रिटर्न जीरो। अभी रिटर्न जीरो क्या करता है, ये बताता है कि हम लोग का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया है, तो यहाँ हम लोग का पूरा प्रोग्राम एंड हो गया। तो जो पूरा प्रोग्राम है ये करेगा क्या, बेसिकली दो नंबर का इनपुट लेगा, फिर उनका सम करेगा, फिर उसको डिस्प्ले कराएगा। हम लोग देखते हैं कैसे वर्क करेगा। बिल्कुल सर, इसको एक बार रन करके दिखा दीजिए प्रोग्राम को अगर फीजिबल हो तो। सर वहाँ जो इंटर एक बार लाइव, हाँ वो जो पहला प्रिंट है, अभी रुको रुको रुको, अभी बता रहा, अभी खुल रहा है शायद प्रोग्राम, बताते हैं अभी कैसे ये वर्क कर रहा है पूरा। हाँ तुम क्वेश्चन पूछो, तेरा क्या था। हेलो सर, वो प्रिंट के बाद जो इंटर नंबर इसके आगे जो लिखा है ना स्लैश देके स्लैश इन जैसा, हाँ वो सर क्या बताएं। देखो प्रिंटर एक ऐसा फंक्शन है हम लोग का जिसके अंदर जो देखो क्योट्स बने हैं ना, ये डबल क्योट बने हैं। हाँ ये देखो पूरा प्रोग्राम देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखो जो प्रिंटर के अंदर जो ये क्योट्स बने हैं इसके अंदर जो ब्लू लाइन कलर से लिखा है पूरा, वो पूरा प्रिंट हो जाता है। ठीक, अब तो तुम बात जो कर रहे थे स्लैश एन की ना, वो स्लैश एन होता है हम लोग का एक लाइन नई लाइन पे लाने के लिए, जो मैसेज लिखा है वो नई लाइन पे आ जाता है। अभी हम लोग सब देखेंगे क्या होता है, बेसिकली बस इतना समझो कि कैसे हम लोग एल्गोरिथम से एक प्रोग्राम पे ट्रांजेक्ट करना है, इतना अभी समझो। वो स्लैश एन क्या होता है, प्रिंटर के अंदर कैसे हम लोग चीज़ें लिखते हैं, ये सब अभी हम लोग आगे जब चलेंगे तो सब सीखेंगे। बेसिकली अब यहाँ पे देखो जो एम्परसेंड हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एस, ये लाइन समझ में आ गई थी। ये पूरा प्रोग्राम अगर फिर से देखते हैं, इंट मेन फंक्शन बना हम लोग का। इंट मेन क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का एक एंट्री पॉइंट होता है, मतलब कोई भी एग्जीक्यूशन होता है अगर प्रोग्राम का वो हमेशा इंट मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ठीक, अब देखो लाइन नंबर फोर में क्या लिखा है, इंट ए कॉमा बी कॉमा सम। यहाँ पे फिर वही किया हम लोगों ने कि ए बी और सम नाम के वेरिएबल को हम लोगों ने डिक्लेयर करा दिया, या तो उनको बना दिया ए बी और सम नाम के वेरिएबल बना दिया। ठीक, उसके बाद फिफ्थ लाइन में लिखा है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फिर से याद कर लो फंक्शन है, ये करता क्या है, इसके अंदर जो भी लिखा होता है वो बेसिकली डिस्प्ले कर देता है हम लोग का, मतलब आउटपुट लेंगे ना इसका जिसको रन कराएंगे तो जो टर्मिनल होती है उसमें यही लिख के आएगा कि एंटर नंबर वन। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने स्कैन एफ यूज़ किया है। स्कैन एफ के अंदर क्या लिखा है, देखो क्यूवर्ड्स के अंदर लिखा है परसेंटाइल डी। अब परसेंटाइल डी का मतलब क्या है, अभी ये भी हम लोग समझेंगे। जो परसेंटाइल डी होता है ये किसी भी इंटीजर वैल्यू का इनपुट कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उतना बस समझ लो अभी। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखा है कॉमा एम्परसेंट ए। अब एम्परसेंट ए क्या है, हम लोग मतलब ए के अंदर वैल्यू प्रिंट कर वैल्यू दे रहे हैं ए को, मतलब ए की वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्या है प्रिंट एफ में लिखा है एंटर नंबर टू, फिर उसका हम लोगों ने इनपुट ले लिया स्कैन एफ के थ्रू। फिर हम लोगों ने सी, वहाँ पे सर सी की जगह सम कर दीजिए, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है ना।
अब देखो रुको रुको, वो लिखा रहने दो, लिखा रहने दो, सी इज इक्वल टू। अब देखो तो सी इज इक्वल टू, अगर ए प्लस बी लिखा रहेगा तो गलती क्या होती है यहाँ पे, गलती ये हो जाती है कि सी नाम का वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर ही नहीं किया है। ऊपर देखो कौन कौन से डिक्लेयर किए थे, ए था, बी था और सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है लाइन नंबर 10 में, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो गलती यहाँ पे ये हो रही है कि हम लोगों ने सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया और हम लोग सी यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। अगर सी यूज़ करना है तो या तो हम लोग सी को ऊपर डिक्लेयर करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, इंट सी लिख के, लेकिन हम लोगों ने पहले ऊपर सम डिक्लेयर कर रखा है तो हम लोग सी हटा के यहाँ पे सम लिख देंगे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखो लिख दिया, तो हम लोगों ने क्या किया सम में ए और बी का एडिशन स्टोर करा दिया। उसके बाद हमको प्रिंट कराना है सम को, तो कैसे कराएंगे, नीचे प्रिंट एफ फंक्शन में लिख दिया हम लोगों ने सम ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू एम्परसेंट डे, क्यों लिखा है फिर भाई, एक इंटीजर को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, फिर कॉमा करके सम लिख दिया है, फिर हम लोगों ने रिटर्न जीरो कर दिया क्योंकि हम लोग को पता चले कि जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक, अब हम लोग कराते हैं इस प्रोग्राम को रन, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये रिटर्न जीरो क्यों लिखा है? अभी को बताता हूँ, बताता हूँ। तो देखो एक टर्मिनल में देखो क्या लिख के आ रहा है, देखो प्रिंट एफ फंक्शन में वहाँ लिखा था ना हम लोग का एंटर फर्स्ट नंबर, तो देखो वो हम लोग का प्रिंट होके आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या था ए, अब ए की वैल्यू क्या देंगे, मान लो हम लोग 10 वैल्यू दे दी ए की, तो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू 10 वैल्यू इनपुट करेंगे और एंटर प्रेस की कर देंगे। तो देखो 10, जैसे जैसे हम लोगों ने 10 इनपुट किया और एंटर की प्रेस करी, तो क्या था कि पहले प्रिंट एफ में क्या लिखा था एंटर फर्स्ट नंबर, फिर उसका स्कैन एफ था, स्कैन एफ क्या कर रहा था पहला नंबर का इनपुट ले रहा था, वो तो हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद जो लाइन थी उसमें लिखा था एंटर सेकंड नंबर, तो देखो वो डिस्प्ले हो रहा है, तो अब सेकंड नंबर को इनपुट करेंगे, मान लो हम लोगों ने 7 लिख दिया सेकंड नंबर में, तो जैसे हम लोग 7 नंबर इनपुट करेंगे और एंटर दबाएंगे तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी पे जाएगा। तो ए की वैल्यू तो हम लोग 10 दे दी है और बी की वैल्यू क्या दी है 7, तो 10 + 7 करेंगे तो 17 जो आएगा वो सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर होने के बाद वो क्या हो रहा है, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो लाइन 11 पे जा रहा है, वहाँ पे लिखा है सम ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू सम, उस सम में क्या स्टोर है हम लोग का 17 स्टोर है, तो देखो सम ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया। ठीक, तो अब कोई पूछ रहा है रिटर्न जीरो का यूज़ क्या है यहाँ पे, तो यार रिटर्न जीरो या इसलिए लिखा है ताकि हम लोग को पता चले या कंपाइलर को पता चले कि जो हम लोग का प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर गया है, बस इतना उसका यूज़ है यहाँ पे, और हम लोग का प्रोग्राम को यहाँ से एंड करना है, तो रिटर्न जीरो इसलिए यूज़ होता है कि हम लोग का प्रोग्राम को एंड कराने के लिए। ठीक, तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था हम लोग का कि किस तरीके से हम लोग एल्गोरिथम से एक सिंपल से प्रोग्राम के ऊपर ट्रांजेक्ट करने वाले हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप। सॉरी, स्कैन एफ कैसे यूज करते हैं? देखो अच्छा अपना पता है स्कैन एफ क्या होता है, देखो कोई भी नंबर हो, जैसे हमने स्टेप 1 लिखा एल्गोरिथम का रीड रीड ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या है ए और बी की वैल्यू को इनपुट लेना है हम लोग को। ठीक है, क्या लेना है उसका इनपुट, तो इनपुट लेने के लिए जो हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं उसको स्कैन एफ फंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो स्कैन एफ फंक्शन करता क्या है, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू इनपुट मांगता है किससे, यूज़र से मांगता है हमेशा, हम लोग इनपुट करते हैं। तो जैसे अभी ने टर्मिनल में लिख के आ रहा था एंटर नंबर 1, जो हमने 10 इनपुट किया, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा था, स्कैन एफ फंक्शन की हेल्प से। अब स्कैन एफ फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अब वो उसका थोड़ा मैं यहीं पर चलो देख लेते हैं क्या यूज़ है। तो देखो स्कैन एफ जो लाइन नंबर 6 है उसमें स्कैन एफ के अंदर लिखा है क्योट्स, डबल क्योट्स के अंदर परसेंट का साइन लिखा है फिर डी लिखा है, यार ये डायरेक्टिव्स होते हैं। अब डायरेक्टिव क्या होता है यार, बेसिकली दिखाता है कि किस तरीके का हम लोग इनपुट लेने वाले हैं। अब जो इनपुट हो सकता है वो हम लोग का या तो इंटीजर हो सकता है या डेसिमल नंबर हो सकता है या कोई कैरेक्टर हो सकता है या कोई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कोई वर्ड हो सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो जो एम्परसेंट डी है ये बताता है कि जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं वो इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये यूज़ है डबल क्योट्स के अंदर एम्परसेंट डी का। अब एम्परसेंट डी ये बता रहा है कि हम लोग इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। ठीक, अब उस वैल्यू को कौन से वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो ये इसका काम, ये किसका काम है, ये काम है एम्परसेंट ए का। एम्परसेंट ए ये बता रहा है कि जो वैल्यू इनपुट करा रहे हैं हम लोग वो वेरिएबल ए के अंदर स्टोर करा दें। ठीक, अब कोई ये पूछ सकता है कि सिंपल हम लोग यहाँ पे ए लिख सकते थे, एम्परसेंट का साइन क्यों बनाया, जो एंड टाइप का साइन बनाया ना वो क्यों बनाया है। तो यार वो यहाँ पे ये बताता है कि जो ए वेरिएबल है, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंट ए लिखा है इसका मतलब होता है कि हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब डिक्लेयर मतलब क्या, मतलब हम लोग उसको कुछ ना कुछ मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं। यार मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की,
हर एक बाइट का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है अपना, जैसे घर होते हैं हम लोग के, हर एक घर का कुछ अलग अलग एड्रेस होता है। इसी टाइप से जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में, हर एक बाइट का खुद का कुछ एड्रेस होता है। तो यार हम लोग बता रहे हैं कि जो ए का एड्रेस है वो एम्परसेंट ए है, एम्परसेंट बताता है कि ए का मेमोरी की लोकेशन का एड्रेस क्या है। तो जो हम लोग वैल्यू इनपुट करा रहे हैं तो वो हम लोग की उस ए की मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाए। तो बेसिकली एम्परसेंट ए का यही होता है कि हम लोग ए के अंदर उस वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं। उसी तरीके से जो लाइन नंबर 8 है उसमें भी यही लिखा है कि scanf डबल क्वोट्स में percentile d, वो क्या बता रहा है कि हम इंटीजर वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। और ampersand a लिखा है उसके बाद, वो क्या बताता है कि हम मतलब d लिखा है वहाँ पे हम लोग d के अंदर वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। तो scanf फंक्शन का यही यूज है कि हम लोग किसी भी वैल्यू का इनपुट कराने के लिए यूज करते हैं उसको। और उसका अपोजिट कौन सा है, printf। printf का करता है किसी वैल्यू का आउटपुट देता है हम लोग को। अब वो वैल्यू हम लोग की इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, और उसी प्रकार से एक वर्ड भी हो सकती है, एक सेंटेंस भी हो सकती है। तो स्कैनफ और प्रिंटफ का ये है यूज, अभी आगे आएगा पूरा, अभी स्टार्टिंग करी है उन्होंने बोलने। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो सुमित। ठीक है सर, जो प्रीवियस स्लाइड में लिखा हुआ था स्कैनफ के अंदर परसेंटेज डी एंड ए एंड बी, और सर इसको ऐसे लिखे जितने भी होते हैं वो सारे एक ही लाइन में रिदम होते हैं, ये चीज याद रखना। जो जो परसेंटाइल डी हो गया, जितने भी अगर यूज कर रहे हैं हम लोग स्कैनर के अंदर, तो सारे एक ही लाइन में देंगे, उसके बाद हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे फ्लोट वैल्यू यूज करते, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू यूज करते, तो यहाँ पे एम्परसेंट डी की जगह, मतलब सॉरी परसेंट डी की जगह हम लोग यहाँ पे परसेंट एफ यूज करते, कि वो बताता कि जो वैल्यू यूज कर रहे हैं हम लोग, वो हम लोग की एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, हाँ। अगर करेक्टर यूज करते तो वहाँ पे परसेंट करेक्ट, परसेंट सी यूज कर देते, परसेंट सी। हाँ, अभी बताऊंगा जब वो डेटा टाइप पढ़ाऊंगा ना मैं, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसमें सब आने वाला है। सर सर, हाँ सर, ये हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखा है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना प्रोग्राम वो लिखे बिना भी रन कर जाता है और कभी कभी नहीं करता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वो डिपेंड करता है कि जो कंपाइलर कौन सा यूज कर रहे हो। जैसे हम लोग देव सी में अगर यूज कर रहे हैं या टर्बो पे यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो डायरेक्टरीज हैं उसमें पहले से वो फाइल स्टोर्ड है कि नहीं स्टोर्ड है, उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम लोग यूज करेंगे इसको हमेशा, वो अच्छे प्रोग्रामिंग मानी जाती है कि हम लोग उसको यूज करें। नहीं, एक ही कंपाइलर में कभी कभी लिखे बिना काम चल जाएगा, कभी नहीं चलता। अगर कोई बड़ा प्रोग्राम बनाया जिसमें लूप ये सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, देखो जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली फाइल है ये तो हमेशा यूज करनी पड़ेगी, इसके बिना प्रोग्राम नहीं चल सकता। एक बार देख लेते हैं चला के। नहीं नहीं, ये प्रोग्राम चल जाएगा टर्बो में बिना इसके? टर्बो में चल जाएगा बिना इसके? चल जाएगा, इस पे तो नहीं चल रहा है शायद। टर्बो में चल जाता है इसके बिना। और अगर भाई हम वाइल या फॉर लूप ये सब बनाए तो नहीं चलता। यहाँ पे अच्छा देखो, यहाँ पे देखो, हम लोगों ने यहाँ पे नहीं यूज किया उसको, तो यहाँ पे देखो प्रिंटफ में ही प्रॉब्लम आने लगी, एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इनपुट आउटपुट वाली फाइल को हम लोगों ने इंक्लूड ही नहीं कराया, तो इनपुट ले ही नहीं पा रहा है ये। अब टर्बो ने यूज किया नहीं है तो उसका पता ही नहीं मेरे को। अच्छा देखो यार, ये सब क्या है ना, ये सब सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, लेकिन जो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है ना, मतलब जो रूल्स है उसमें हम लोग को यूज करना ही है उसको। अच्छी प्रोग्रामिंग यही है कि हम लोग जितने भी फाइल्स उसको इंक्लूड कर लें पहले से ही, ताकि जो दूसरा बंदा है अगर वो उस प्रोग्राम को एक्सेस कर रहा है, अपने कंप्यूटर पर रन करा रहा है, तो हमको क्या पता वो किस पे यूज करने वाला है, टाइपो पे चलाएगा, सी पे चलाएगा, विजुअल स्टूडियो पे चलाने वाला है। तो इसलिए जो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म यही कहती है कि हम लोग को जो नेसेसरी फाइल्स उसको पहले से इंक्लूड कर लेना है, ताकि ऐसा ना हो कि दूसरा बंदा यूज कर रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है उसमें। ठीक है, सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, शायद सोलो लर्न है, उसको देखना कुछ। अब यार देखते हैं सोर्स कोड क्या होता है। यार पहले मैंने सोर्स कोड बताया था, एक बार देख लेते हैं सोर्स कोड क्या होता है। पर सोर्स कोड कुछ नहीं यार, बेसिकली ऐसा कोड है जो एक नॉर्मली हम लोग लिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने वाले हैं उसको हम लोग सोर्स कोड बोल देते हैं।
कल मैंने बताया था कि एक सोर्स कोड होता है, वो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? तो सी लैंग्वेज हो सकती है, या तो HTML हो सकती है, या तो C++ हो सकती है, तो पाइथन हो सकती है। तो हम लोग ने बेसिकली एक जैसे अभी प्रोग्राम बनाया था ए और बी को ऐड करने वाला, तो हम लोग एक सोर्स कोड कहलाएगा, ठीक है। जैसे ही उन्होंने उसको कंपाइल किया था, कंपाइल करते ही क्या हो रहा था, उस सोर्स कोड का एक ऑब्जेक्ट कोड बन जा रहा था। तो उस ऑब्जेक्ट कोड के थ्रू हम लोग उसको रन करा पा रहे थे। एक सोर्स कोड बेसिकली कुछ नहीं, एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसी फाइल है जो एक ह्यूमन ने या एक यूज़र ने लिखी है। किस लैंग्वेज में लिखी है? एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं ये मैंने कल बताया था, और जो ब्लेंड क्लासेस आपकी हुई थी उसमें भी मैंने बताया था क्या होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज। कोई बता सकता है हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? कोई एक बंदा माइक ऑन करके बोलो कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। जो सर मेंस यूज़, सर जैसे कंप्यूटर नहीं समझेगा हमारा, सर जो हम इनपुट देते हैं वो हाई लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, हाँ ऐसी लैंग्वेज जो एक ह्यूमन बीइंग इजीली समझ सके उसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, और उसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो सोर्स कोड जो होता है वो बस ह्यूमन बीइंग समझ सकते हैं। हाँ, ह्यूमन यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग उसको समझ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं यूज़ समझ सकता है। तो यार अब अगर हम लोग सोर्स कोड को कंप्यूटर में रन कराएंगे तो रन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसलेटर्स का। ट्रांसलेटर्स कुछ क्या होते हैं? जो एक सोर्स कोड को हम लोग पे एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जिनमें कंप्यूटर समझ पाए, मशीन लैंग्वेज में। हाँ, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सर नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। हाँ, तो यार यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली कोई भी अगर एक प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं सी का, तो सब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, कोई मतलब कि कोई एक स्ट्रक्चर होगा उसका, जिसमें हम लोग कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो देखते हैं कि बेसिकली कोई भी अगर एक प्रोग्राम है सी का, तो उसमें कुछ पार्ट होते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्री प्रोसेसर कमांड्स। अब जैसे अब देखते हैं प्री प्रोसेसर कमांड होता क्या है। जैसे हमने अभी इससे पहले एक एग्जाम्पल देखा था ए और बी को ऐड कराने वाला, उसमें पहली लाइन थी हैश इंक्लूड, फिर कर्ली ब्रेसेस थे, उसके अंदर लिखा था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इस पूरी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। तो यार अब प्री प्रोसेसर कमांड में भी पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक प्री प्रोसेसर क्या होता है। यार प्री प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हम लोग का किसी भी एक सोर्स कोड को एग्जीक्यूट, मतलब पहले सोर्स कोड को, अच्छा मैंने कल बताया था कि कोई भी अगर एक सोर्स कोड है उसको हम लोग कंपाइल करते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंपाइलेशन से पहले भी एक सोर्स कोड हम लोग का प्री प्रोसेसर के पास जाता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, एक प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कुछ लाइंस थी जिसमें हम लोग हैश यूज़ किया था। अब पहली लाइन जैसे थी उसमें हैश लिखा था, तो उस प्री प्रोसेसर क्या करता है उस सोर्स कोड से उस हैश इंक्लूड स्टूडियो वाली लाइन को हटा देता है, और उससे कुछ ना कुछ दूसरा कोड डाल देता है। अभी कोड क्या होता है अभी मैं बताने वाला हूँ, क्या कौन सा कोड डालेगा, ठीक है। सर बेसिकली प्री प्रोसेसर कमांड एक ऐसे कमांड होते हैं जिन लाइन के शुरुआत में हम लोग के हैश का सिंबल बना रहता है, उस पूरी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। अब एग्जांपल लेते हैं कि एक प्री प्रोसेसर कमांड करते क्या है। तो मान लो जैसे हम लोगों ने अभी पिछला एग्जांपल देखा था ए और बी को ऐड कराने वाला, तो जब हम लोगों ने उस पहली लाइन को हटा दिया था तो हम लोग का प्रोग्राम एरर दे रहा था, रन नहीं कर पा रहा था। वो एरर क्या दे रहा था कि उसको इनपुट और आउटपुट की फाइलें नहीं मिल पा रही। तो जो पहली लाइन थी वो कर क्या रही थी कि इनपुट और आउटपुट कराने वाली फाइल्स को या इनपुट या आउटपुट कराने वाली लाइब्रेरी को हम लोग के प्रोग्राम में इंसर्ट कर दे रही थी। अब ये क्या मतलब है, सिंपली समझते हैं। मान लो मैं हूँ और मेरा दोस्त है, ठीक, हम लोग एक गेम बनाना है। तो यार मैंने उससे बोल दिया कि तुम आधा गेम तुम बना दो, आधा गेम मैं बना देता हूँ। तो मैंने आधी कोडिंग कर दी, मैंने आधा गेम बना दिया, आधी कोडिंग उसने कर दी, उसने आधा गेम बना दिया। तो यार मेरी फाइल अलग होगी कोड की, उसी कोड की फाइल अलग होने वाली है। तो हमें वो गेम एक बनाना है तो दोनों कोड्स को कंबाइन करना पड़ेगा ना, तभी तो वर्क करेगा हम लोग का पूरा प्रोग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं अपने कोड के अंदर एक ऐसी लाइन लिख दूंगा जो करेगी क्या कि उसकी कोड की फाइल को मेरे कोड की फाइल के अंदर इंसर्ट करा देगी। तो जो मैंने एक लाइन लिखी है उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। प्री प्रोसेसर कमांड क्या करता है, बेसिकली ये कुछ लाइन ऑफ कोड्स को किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट करा देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा भी है हैश इंक्लूड stdio.h,
ये क्या करता है, इनपुट और आउटपुट वाली फाइल्स को हम लोग के प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट करा देता है। तो मैंने अभी बताया तुमको कि कोई भी सोर्स कोड है उसको कंपाइल करने के पहले हम लोग उसको भेजते हैं एक प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर क्या करता है, सारे के सारे जो भी हैश से स्टार्ट हो रही लाइनें हैं जिनको लोग प्री प्रोसेसर कमांड बोलते हैं, उन सारी लाइन को हटा देता है और उनकी जगह कुछ ना कुछ कोड डाल देता है जो उन फाइल्स के अंदर स्टोर होने वाली है। एक तो बेसिकली एक प्री प्रोसेसर कमांड का ये काम होता है कि कुछ दूसरी फाइल्स को हम लोग के प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट करा देता है। ठीक, तो यार जो दूसरा पॉइंट है वो है फंक्शन। तो फंक्शन तो यार किसी भी प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है। आप बेसिकली समझ सकते हो कि बिना फंक्शन के कोई भी सी प्रोग्राम बन ही नहीं सकता है। होते हैं कुछ एक्सेप्शन एक आज, लेकिन जितने अधिकतर 99% जितने भी आप देखोगे प्रोग्राम उन सब में आपको फंक्शन दिखेंगे। अब फंक्शन क्या होता है यार, फंक्शन को हम एक कंटेनर की तरह समझ सकते हो। एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं उसको फंक्शन समझ लो, इतना भी अभी समझ लो। अब जैसे मैंने बताया था अभी मेन एक फंक्शन होता है, प्रिंटएफ एक फंक्शन होता है, स्कैनएफ भी एक फंक्शन होता है। फंक्शन करता है क्या है, कुछ नहीं, बस कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेगा जिसमें से नाम फंक्शन है। फंक्शन को हम मेथड भी बोल सकते हैं, कोई मेथड। ठीक, इसके बाद आता है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है यार, वेरिएबल्स जैसे मैंने देखा पिछले एग्जांपल में जो ए था बी था और सम था, ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। नाम समझ में आ रहा है वेरिएबल लिखा है, तो वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू हम लोग समय के साथ चेंज कर सकते हैं, तो उन्हीं को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग स्टोर कराते हैं वेरिएबल्स में। ठीक, इसी तरीके से हम लोग एक कांस्टेंट भी होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उनको हम लोग कांस्टेंट बोल देते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं ऐसी, अब वेरिएबल को भी हम लोग एक मेमोरी लोकेशन मैंने बताया था, मेमोरी लोकेशन देते हैं उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। तो वही समझ लो कि वेरिएबल्स ऐसी मेमोरी लोकेशन होती हैं जिसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो टेम्प्ररी होती है, मतलब उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लो ए के अंदर अभी मैंने बी, ए के अंदर 6 इनपुट दे रखा है, 6 स्टोर करा रखा है, तो मैं कुछ समय बाद उसको 7 भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ। लेकिन कोई कांस्टेंट है उसके अंदर मैंने 6 स्टोर करा दिया एक बार, तो उसको बाद में मैं 7 नहीं कर सकता हूँ, वो 6 ही रहने वाला है हमेशा। ठीक, तो जो अगला हम लोग का पार्ट आता है वो आता है स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है यार, स्टेटमेंट बेसिकली कोई भी सिंपल से स्टेटमेंट लिखा है, जैसे ए इक्वल टू बी प्लस सी लिखा है, इसी को हम लोग स्टेटमेंट बोल देंगे। और एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, एक्सप्रेशन कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म हो सकता है, जैसे लिखा है मेरा डी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी, तो ये हम लोग का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है किसी प्रोग्राम का वो होता है कमेंट। अब कमेंट यार सबको पता है क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम अगर मैंने बना रखा है तो वो मुझको तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा है उसको समझना है तो उसको इजीली समझाने के लिए मैं करूँगा कि कोई भी प्रोग्राम की कोई भी पर्टिकुलर लाइन है, मान लो उसकी मीनिंग किसी को इजीली समझ में नहीं आ रही है, तो उस लाइन के आगे मैं एक कमेंट लिख दूंगा छोटा सा कि ये लाइन ये टास्क परफॉर्म कर रही है। तो उससे क्या होगा कि दूसरे बंदे को वो इजीली समझ में आ जाएगा कि ये लाइन क्या काम करने वाली है। तो कमेंट्स जो है वो हम हर एक लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, सी हो गई चाहे सी प्लस प्लस हो गई चाहे पाइथन हो गई चाहे जावा हो गई, इन सब में हम लोग कमेंट्स यूज़ करते हैं ताकि जो दूसरा बंदा है या हम ही है, मान लो हम लोग एक दो साल बाद कोई प्रोग्राम खोल रहे हैं, हमको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि भाई मैंने क्या कर, इस लाइन का क्या यूज़ है यहाँ पे, तो हम लोग इसीलिए कोई एक लाइन के आगे कमेंट लिख देते हैं कि ये लाइन जो है ये टास्क परफॉर्म कर रही है, ताकि किसी दूसरे बंदे को या हम लोग खुद ही समझ में आ जाए कि हम लोग काफ़ी दिन में इसे खोलें कि ये लाइन क्या काम कर रही है। अगर 5 पार्ट हम लोगों ने देख लिया एक प्रोग्राम के क्या क्या, तो एक प्री प्रोसेसर कमांड क्या होता है, एक फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है और एक कमेंट क्या होता है। तो राइट साइड यार पूरा वही उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि एक पहले कमेंट्स लिखे हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ कर लिया है, डायरेक्टिव मतलब वही कमांड यूज़ कर लिया है। फिर वेरिएबल्स कुछ ग्लोबल वेरिएबल लिखे हैं, अब इसका मीनिंग क्या होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल, अच्छा अब ये बात बताता हूँ ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। इसका देखो मेन फंक्शन लिखा है, मेन फंक्शन स्टार्ट किया ब्रेसेस ओपन करके, फिर एंड किया उसको, उस मेन फंक्शन में कुछ ना कुछ वेरिएबल लिखे हैं, स्टेटमेंट लिखे हैं, फिर फंक्शन 1 लिखा है, फिर फंक्शन 2 लिखा है। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा एक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। आप कोई पूछे कि जो राइट साइड ये प्रोग्राम लिखा है ये स्टार्ट कहाँ से होगा, तो मैंने फिर से बताया था कि कोई भी प्रोग्राम हो उसके अंदर चाहे जितने भी फंक्शन हो, चाहे 1 हो चाहे 3 हो चाहे 100 हो, हमेशा एक सी प्रोग्राम का या कोई भी लैंग्वेज हो उसके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। तो यहाँ पे भी जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो हमेशा मेन फंक्शन से होने वाला है। ठीक है, और मेन फंक्शन हमेशा एक ही होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो यार ये स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम हो गया, बातें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ऊपर।
तो अब देखते हैं किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, राइट लिखते हैं, राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम। सर बेसिकली हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, देखते हैं समझते हैं क्या लिखा है। तो जो पहली लाइन लिखी है फिर से वही है, इंक्लूड stdio.h, करते क्या है ये, क्या कौन सी लाइन है ये, प्री प्रोसेसर कमांड है ये। करते क्या है ये कि कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट वाले कोड को हम लोग के प्रोग्राम में इसने इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अब सेकंड लाइन में क्या लिखा है, इंट मेन। अब इंट मेन क्या है, हम लोग का फंक्शन है जहाँ से हम लोग के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मैंने इतने बार बताया है कि जो मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन होता है वहीं से हम लोग के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक। तो हम लोगों ने फिर मेन फंक्शन को ओपन किया, पहले ब्रेसेस ओपन किया, उसके बाद हम लोगों ने जो लाइन लिखी है जो फॉरवर्ड स्लैश और स्टार लिखा है माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, इसी को बोलते हैं हम लोग कमेंट। अब एक चीज़ याद रखना कि कोई भी प्रोग्राम है, ठीक, उसको हमने रन कराया, उसकी सारे की सारी लाइंस क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, कंपाइल होती हैं और रन होती है। लेकिन जो कमेंट है, नेटवर्क इशू, यार नेटवर्क इशू हो रहा है तो रिकनेक्ट करके देखो यार, कोई किसी से हॉटस्पॉट ले लो, वाईफाई कनेक्ट करो, मेरा तो यहाँ से सही है पूरा। तो यार जो मैं बता रहा था, कमेंट जो होता है वो कभी भी हम लोग का रन नहीं होता है, मतलब हैश इंक्लूड कोनियों से क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा अभी, रुको अभी आगे चलेंगे तो बताऊंगा पूरा क्या होता है, कोनियों से क्या होता है, कोई तो दूसरी फाइल कैसे ऐड करते हैं इंक्लूड यूज करके, सब बताऊंगा अभी। हाँ, तो जो कमेंट होता है कभी भी रन नहीं होता है। अब ये ना समझना, जो ये माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लिखा है, अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हम लोग के टर्मिनल वाली डिस्प्ले पे ये लिख के आएगा, ये नहीं लिख के आने वाला। इसके अंदर कुछ भी लिख दो, चाहे इसके अंदर सी इक्वल टू ए प्लस भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कभी भी हम लोग का रन नहीं होता है, ठीक है। इसी याद रखना, कमेंट कभी भी हम लोग का रन नहीं होता है। कमेंट का यूज़ क्या होता है बेसिकली, बस वो हम लोग को बताने के लिए होता है कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है या कोई पर्टिकुलर लाइन क्या टास्क परफॉर्म कर रही है, बस इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं कमेंट को, ठीक। अब इसके बाद जो लाइन है वो प्रिंट एफ फंक्शन है। अब प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, मैंने बताया था, वो एक मैसेज प्रिंट करा देता है। वो मैसेज क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो हेलो वर्ल्ड हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने रिटर्न जीरो लिख दिया है, रिटर्न जीरो क्या बताता है कि हम लोग का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है और हम लोग प्रोग्राम को अब एंड करना है। उसके बाद हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया, तो पूरा प्रोग्राम हम लोग का हेलो वर्ल्ड वाला बन गया। इसको रन करा के एक बार देख लेते हैं, एक बार देखते हैं कैसे रन करता है ये। हेलो सर। हाँ सर, हेलो वर्ल्ड स्लैश देकर जो इन लिखा हुआ था वो स्लैश देकर इन, अभी बताता हूँ, मतलब स्लैश इन का यूज क्या, ये पूछ लो ना। हाँ, ठीक। विपुल सर एक काम करिएगा कि एक लाइन में प्रिंट कराइएगा बस हेलो, और दूसरी लाइन में वर्ल्ड कराइएगा, सर दोनों का अलग अलग प्रिंट एफ फंक्शन दीजिएगा। तो देखो हम लोगों ने पहले क्या किया, इंक्लूड stdio फाइल को इंक्लूड कर लिया, फिर हमने इंट मेन फंक्शन लिख दिया, फिर हमने ब्रेसेस ओपन कर लिए, ठीक। अब लिखेंगे हम लोग प्रिंट, अब हाँ सिंपली प्रिंट एफ लिख दीजिए। हाँ कमेंट भी दिखा दीजिए, कमेंट दिखा दीजिए। अब देखो ये कमेंट है, कमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, फॉरवर्ड स्लैश, वॉइस ब्रेक हो रहा है यार, वॉइस मेरा तो ब्रेक नहीं हो रहा है, तुम्हारी नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है शायद। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, आवाज तो मेरी सही आ रही होगी सभी को, क्लियर है सर बिल्कुल? यस सर, आवाज आपकी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा देखो मैं स्लैश एन का बता देता हूँ, स्लैश एन का यूज़ क्या होता है यार। स्लैश एन यूज़ करते हैं हम लोग लाइन ब्रेक देने के लिए, अभी वो समझेंगे एग्जांपल से कैसे लाइन ब्रेक होती है। तो हमने प्रिंट एफ लिखा, अब प्रिंट एफ के अंदर हम लोग सिर्फ हेलो लिखेंगे, इस वाले प्रिंट एफ के अंदर हेलो लिख दिया, ठीक है। इस प्रिंट एफ को बंद कर देंगे, कैसे बंद करेंगे, सेमी कॉलन लगा के, हाँ ऐसे लिख दिया। अब अगले प्रिंट एफ पे हमने लिख दिया सिर्फ वर्ल्ड लिख दिया, और फिर हमने रिटर्न जीरो करा दिया। अब देखो पहले प्रिंट एफ में क्या लिखा है, हेलो, फिर लगा स्लैश इन, फिर अगले में क्या लिखा है, प्रिंट वर्ल्ड, ठीक। तो जैसे ही इसको हम लोग रन कराएंगे तो क्या होगा, देखते रन करा के चलिए एक बार।
तो देखो कंपाइल हम लोग का प्रोग्राम हो गया, अगर कोई नहीं आई तो देखो अब क्या हुआ, हेलो लिख गया, उसके जो स्लैशन था उसने क्या किया, लाइन ब्रेक कर दी, मतलब जो कंट्रोल था वो नई लाइन के लिए आया, तो देखो जो वर्ल्ड था वो क्या हुआ, दूसरी लाइन पे प्रिंट हो रहा है हम लोग का, ठीक। तो स्लैशन का यही यूज है कि वो लाइन को ब्रेक कर देता है और दूसरी लाइन पे लोग कर्जर ले आता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे वो भी देख लेते हैं, अगर हम लोग हटा दिया देखो जैसे, अब रन कराएंगे इसको तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो क्या हुआ कि हेलो और फिर वर्ल्ड एक ही लाइन में आ गया। तो यही है स्लैशन का यूज, क्या स्लैशन का यूज, जो हम लोग का कर्सर पॉइंट है या डिस्प्ले पॉइंट है हम लोग का, वो नेक्स्ट लाइन पे ले आता है। तो हम लोग जितने ज़्यादा स्लैशन यूज करेंगे उतने लाइन का हम लोग का वो आता रहेगा, ब्रेक आता रहेगा, ठीक है। तो चार स्पेस एक साथ देने के लिए कौन सी शॉर्ट ट्रिक रहती है? स्पेस देना है ना, तो टैब यूज कर सकते हैं, स्लैश टैब, मतलब इसमें प्रोग्राम में कोड पे क्या लिखेंगे, स्लैश टी लिखो, तो ऐसे स्लैशन लिखा है ना वहां पे, वहां पे स्लैश टी लिख दो। जी देख लेते हैं वो भी, देखो स्लैश टी लगा दिया, इसको रन कराते हैं। अब देखो यहाँ पे कमेंट भी लिख दे रहे हैं, देखो कमेंट के अंदर कुछ भी लिख दो, कुछ भी जो तुम्हें मन लिखना वो लिख दो, तो वो हम लोग कभी भी रन नहीं होता है। बस यहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस भी लिख दिया है और फिर रन कराएं इसको, कोई दिक्कत नहीं, वो कभी रन ही नहीं होने वाला, बस हम लोग को दिखाने के लिए। अब देखो कितने स्पेस आ गए, बहुत सारे स्पेस आ गए हेलो के बाद, तो स्लैश टी यूज कर देंगे, कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर एक टी लिखने पर कितना स्पेस आएगा यार? शायद चार से पाँच के आता है, चार का, जितने टी लिखेंगे उतना स्पेस बढ़ता जाएगा, अभी तो पता है यार प्रोग्रामिंग सही से स्टार्ट भी नहीं हुई है, जब होगी तब और मजा आएगा। अभी तो अभी जितने बच्चे अभी हैं, पता है मुझे भी थोड़ा बोरिंग है, टेक्नोलॉजी से हम लोग सीख रहे हैं अभी, नया नया है, लेकिन जैसे प्रोग्रामिंग पार्ट में आएंगे तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो जितने बच्चे बने रहेंगे उनको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए ठीक है, ये सब क्या हुआ सर, ये सब कर क्यों रहे हैं सर, हम ये समझ में नहीं आ रहा, कर क्यों रहे हैं, मतलब सही पढ़ा जो रहे हैं पहले ही नहीं, सिर्फ मतलब फायदा क्या हो रहा है सर प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह करने से? कौन सी ब्रांच है तुम्हारी? तो सिविल। सिविल है, अच्छा। सिविल में जब कोई भी आर्किटेक्चर बनाना है तुम्हें, मान लो ठीक है, तो उससे सिर्फ चार्ट बनाओगे, कॉपी बनाने वाले हो, जैसे पेज से बनाओगे, कोई सॉफ्टवेयर यूज करोगे? यस सर। अब सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो कैसे बनाए वो सॉफ्टवेयर, ये पता, अगर चलो ये भी नहीं पता है यार, ऑटो कैड यूज करने वाले हो मान लो, तो ऑटो कैड में क्या होती है, बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती है हमको, बिना उसके नहीं बनेगा कुछ भी तुम्हारा। इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिकल में भी वही है यार, मान लो कोई भी तुमको अब इलेक्ट्रिकल में तो बहुत यूज है इसका, कोई भी सर्किट बनाना है कॉम्प्लेक्स का, या कोई भी हम लोग चलो बड़ा एग्जांपल लेते हैं, हाई टेंशन लाइन देखते हुए घर में जो लगी रहती है, खेत से निकलती है ऊपर से, हाई टेंशन लाइंस जो होती हैं, उसमें कभी 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 क्या होता है, उसमें फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉल्ट कैसे हुआ, अब भाई लाइन में क्या है, हाई टेंशन लाइन बहुत दूर तक फैली रहती है, अब फॉल्ट कहाँ पे हुआ है, किस टाइप का फॉल्ट हुआ है, कितने दूर है सब स्टेशन से वो फॉल्ट, ये सब पता कैसे करेंगे यार? तो ये सब पता करने के लिए हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, उससे भी हम लोग कोडिंग यूज करनी पड़ती है बहुत सारी, तो उस कोडिंग का जो है हर जगह यूज है। अब मान लो हम कोई सर्किट ही छोटा मोटा बनाना है, या थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लेकिन उसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं कंपोनेंट, वो बहुत महंगे आ रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने सर्किट ऐसे ही कॉपी में बना लिया और फिर हम लोग उस सर्किट को जोड़ लिया, टेस्ट करने लगे, तो भैया फूट गए पूरे कंपोनेंट, पैसा बर्बाद हो गया। तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या है कि हम लोग मैट लैब यूज करें। अब मैट लैब क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का सिमुलेशन कर लेते हैं कोडिंग के थ्रू, कोडिंग करते हैं इससे हम लोग किसी भी एक सर्किट को उसमें कोडिंग थ्रू बना लेंगे, तो उसे चेक कर लेंगे वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। यार कोडिंग का बहुत एक्सपेंसिव यूज है, अब ये सीखने का तो फायदा फायदा है। अब जैसे लोग हम लोग सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, तो ऐसा नहीं कि आईटी के ये सब सीखे ना प्रोग्रामिंग, ये सब सीख लोगे तुम आईटी सेक्टर वाले भी जॉब कर सकते हो। तो सर ये सेकंड में, सेकंड ईयर में क्या? सेकंड ईयर नहीं है, सी प्रोग्रामिंग तो फर्स्ट ईयर में है तुम्हारे, सेकंड ईयर में आएगी पाइथन, इसी प्रकार से थर्ड ईयर में शायद जावा आ जाएगी। तो सर कौन से सेमेस्टर में होगी? अब वो तो देखना, तुम अभी सी पढ़ो, वो तो अभी आगे देखा जाएगा, जितनी लैंग्वेज सीखो उतना ज़्यादा बढ़िया है अभी। ठीक है,
तो अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हाँ अब देखते हैं एरर्स क्या होती है किसी भी लैंग्वेज में। सर मेरी आधी क्लास छूट गई थी, मैं मार्केट चला गया था तो समझ में नहीं आ रहा है सर। समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं छूटा है चलो तुम्हारा, अभी अभी से देखो कुछ नहीं हुआ उसमें, अभी जितना था वो इंट्रो था बस समझ लो, अभी तो प्रोग्राम आएंगे तो पूरा फिर समझ में आएगा, यहीं से देख लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पीपीटी मिल जाएगी वो थोड़ा पढ़ लेना आ जाएगा समझ में, वरना यूट्यूब पे ये लेक्चर शायद अपलोड हो तो वहाँ से देख लेना। ठीक है तो यार हम लोग अब देखते हैं कि एरर्स क्या होती है। मान लो हम लोग कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कभी गलती हो जाती है, तो वो गलतियाँ कौन पकड़ता है? कंपाइलर पकड़ लेता है। ठीक है तो जैसे उन्होंने अभी पिछला एग्जांपल किया था ए प्लस बी वाला, ए और बी को ऐड कर देते हैं, तो जैसे भी उन्होंने पहले लाइन को हटा दिया था जो प्री प्रोसेस्ड कमांड था हम लोग का, उसको जैसे ही हम लोगों ने रिमूव कर दिया था तो हम लोग का कंपाइलर था उसने बता दिया कि भाई तुमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, एरर कर दी है। क्या एरर करी है? कि जो इंक्लूड मतलब कि आउटपुट और इनपुट वाली फाइल थी तुमने उसको इंक्लूड नहीं किया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरर। अब एरर कितने टाइप की हो सकती है? एरर यार बेसिकली 6-7 टाइप की होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिटेल में 2 टाइप की एरर पढ़ने वाले हैं। तो अधिकतर हम लोग भी यही करते हैं, कौन सी एरर? एक सिंटेक्स एरर हो गई, एक लॉजिकल एरर हो गई। तो पहले देखते हैं सिंटेक्स एरर क्या होती है। यार सिंटेक्स नाम से समझ में आ रहा है, किसी भी प्रोग्राम के सिंटेक्स में गड़बड़ कर देना। अब सिंटेक्स क्या होता है? जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं सी लैंग्वेज का, एक लेते हैं जावा लैंग्वेज का। तो यार किसी भी लैंग्वेज को लिखने के कुछ ना कुछ एक तरीके होते हैं खुद के, कुछ ना कुछ उसका सिंटेक्स होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं चाइनीज़ और इंग्लिश का, या तो हिंदी का इंग्लिश का ले लेते हैं। तो यार हिंदी लिखते समय हम लोग को हिंदी के वो यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, और इंग्लिश में क्या हम लोग इंग्लिश के यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं वहाँ पे। हिंदी में क्या लगाते हैं हम लोग? पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक उसी तरीके से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अपना अपना अलग अलग सिंटैक्स होता है। ठीक तो अगर हम लोग उसी सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एरर। अब यार सिंटैक्स एरर पकड़ता कौन है? ये हमेशा कंपाइलर पकड़ता है हम लोग का। मतलब हम लोग ने प्रोग्राम रन कराया और कंपाइलर ने देखा कि भाई यहाँ पे हम लोग का सेमी कॉलन होना चाहिए था और इस बंदे ने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया है, तो कंपाइलर हम लोग को बताया कि तुमने यहाँ पे हम लोग का सेमी कॉलन नहीं लगाया है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एरर। सर पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग जो लिखा है सी प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट सिंटैक्स एरर, जो लेफ्ट साइड पे लिखा है वहाँ पे देखो पहली लाइन जो है बिल्कुल सही है। क्यों? उसमें लिखा है हैश इंक्लूड, फिर ब्रेसेस ओपन किए, फिर stdio.h, फिर ब्रेसेस क्लोज कर दिए, फिर उसके बाद लिखा है void main। अब मेन फंक्शन बनाया हम लोगों ने, अब मेन फंक्शन का हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेसेस ओपन कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल x को डिक्लेयर किया और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी, तो वैल्यू क्या दे दी उसकी 10 दे दी, फिर हम लोगों ने सेमी कॉलन लगा दिया, फिर इंटरवल इक्वल टू 15 लिखा उसमें सेमी कॉलन लगा दिया। फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट परसेंटाइल डी और फिर हम लोगों ने एक्स कॉमा वाई लिख दिया, फिर प्रिंट फंक्शन को बंद कर दिया। तो बेसिकली प्रिंट फंक्शन को बंद करने के बाद हम लोगों ने उसके बाद में सेमी कॉलन देखो नहीं लगाया, तो यहाँ पे यही गलती हुई है। फिर सेमी कॉलन लगाते तो प्रोग्राम रन कर जाता, लेकिन सेमी कॉलन लगाया नहीं है, तो देखो सेमी कॉलन लगाना चाहिए था यहाँ पे, सेमी कॉलन नहीं लगाया है, तो ये हम लोग की एक सिंटैक्स एरर भी तो है, क्योंकि उन्होंने सिंटैक्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। लॉजिकल में तो कुछ गड़बड़ नहीं, लॉजिक तो पूरा सही है, असल उन्होंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया है, तो ये हम लोग की सिंटैक्स एरर हो गई यहाँ पे। ठीक तो उसी प्रकार से अगर मान लो हम लोग वहाँ पे सेमी कॉलन लगा भी देते और लास्ट में हम लोग जो ये ब्रेसेस क्लोज किया है, लास्ट में जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया है, अगर वो ना लगाते तो ये भी हम लोग का एक सिंटैक्स एरर में ही आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने सिंटैक्स में गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसी जितने भी प्रॉप एरर्स हैं जिसमें लोग कुछ सिंटैक्स की गलती कर दे रहे हैं या कोई सिंटैक्स को मिक्स कर दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एरर। ठीक अब राइट साइड में क्या है, यहाँ भी हम लोग दिखा रहे हैं कि क्या हम लोग की सिंटैक्स एरर है। राइट साइड वाला प्रोग्राम अभी रहने तो वो समझ नहीं आएगा, लेफ्ट वाला समझ में आ गया होगा कि क्या गड़बड़ हो रही है, लोग सेमी कॉलन नहीं लगा रहे हैं, सिंटैक्स में गड़बड़ी कर दे रहे हैं। ठीक एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, मान लो हम लोग एक इंग्लिश की लाइन लिख रहे हैं, तो हम लोग को पता है इंग्लिश में कोई भी लाइन स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, अगर हम लोग उसको स्मॉल में लिख दें तो ये भी क्या एक टाइप की सिंटैक्स एरर होती है, मतलब सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ कर दी तो उसको ना सिंटैक्स एरर बोलते हैं। अब नेक्स्ट एरर देखते हैं जो होती है हम लोग की लॉजिकल एरर, तो उस स्लाइड पर आते हैं हम लोग। तो यार लॉजिकल एरर नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ लॉजिक में गड़बड़ करती है हम लोगों ने, मतलब मान लो हम लोग को ए और बी को ऐड करना था, फिर हम लोगों ने गलती से ए माइनस बी कर दिया वहाँ पे, तो प्रोग्राम तो पूरा रन हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं है,
कंपाइलर बोलेगा कि तुम्हारा प्रोग्राम पूरा सही है, क्योंकि भाई हम लोगों ने एरर तो कोई दी नहीं है सिंटैक्स एरर। अगर सिंटैक्स एरर देते हैं तो कंपाइलर बोलता है कि भाई तुमने एरर दे दी है तो ये सिंटैक्स एरर हो जाएगी, तो हम लोग का प्रोग्राम रन नहीं कर पाता। लेकिन लॉजिकल एरर में क्या है कि प्रोग्राम तो पूरा रन कर जाएगा, कंपाइलर भी नहीं बोलेगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम लोग को जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं मिल रहा है, आउटपुट कुछ और मिल रहा है। मान लो ए और बी को ऐड करना था, मान लो ए में 10 है वैल्यू और बी में 7 वैल्यू है, तो ए प्लस बी करने के हम लोग को 17 मिलना चाहिए, तो हमने गलती से वहाँ पे ए माइनस बी कर दिया, तो हम लोग को आउटपुट क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं भाई प्रोग्राम तो पूरा सही है यार, तो गड़बड़ कहाँ पे आ रही है। तो हम लोग ने प्रोग्राम को दोबारा देखा, तो देखा क्या ए प्लस बी रहेगा, हम लोगों ने ए माइनस बी कर दिया। तो हम लोग कहला भाई लॉजिकल एरर है ये, तो क्यों, क्योंकि रन तो पूरा प्रोग्राम कर ही रहा है लेकिन गड़बड़ क्या आ रही है, लॉजिक में गड़बड़ आ रही है, मतलब उन्होंने गलती क्या करी है कैलकुलेशन में, लॉजिक में गड़बड़ कर दी है, तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। ठीक, एग्जांपल एक बार रन करा के देख लेते हैं सर, वही ए प्लस बी एग्जांपल में देखते हैं कि अगर हम लोग वहाँ पे देखो ए माइनस बी लिख दिया सम इक्वल टू ए माइनस बी, तो जैसे इसको रन कराएंगे तो कंपाइल कराया तो कंपाइल तो हम लोग का इस, हाँ देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि प्रिंट एफ के बाद हम लोग ने सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो ये कौन सी एरर हो जाएगी हम लोग की, ये हो जाएगी सिंटेक्स एरर। और देखो कंपाइलर ने बता भी दिया कि भाई देखो कि तुम्हारा लाइन नंबर 9, हाँ लाइन नंबर 9 में क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न, मतलब रिटर्न के पहले तुम्हें सेमी कॉलन लगाना भूल गए हो। तो देखो कंपाइलर ने हम लोग को तुरंत बताया कि भाई तुमने सिंटेक्स एरर करी है और तुमने सेमी कॉलन नहीं लगाया है, तो जैसे हम लोग सेमी कॉलन लगा देंगे तो हम लोग प्रोग्राम तो पूरा सही है। और इसको कंपाइल करके देखते हैं एक बार, तो यार देखो कंपाइल तो पूरा हो गया, रन भी हो गया। अब हम लोग करते हैं, ए की वैल्यू कुछ दे दी 7 और 10 दे दी, देखो तो आंसर क्या मिलना चाहिए, हम लोग को 17 मिलना चाहिए था, लेकिन यार आंसर क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। तो यार प्रोग्राम तो पूरा रन कर रहा है लेकिन गड़बड़ कहाँ पे आ रही है, आउटपुट गलत मिल रहा है हम लोग का। तो हम लोग प्रोग्राम फिर से देखेंगे गड़बड़ क्या कर रही है हम लोगों ने। तो हमने देखा वहाँ पे लाइन नंबर 8 पे कि वहाँ पे ए प्लस बी की जगह उन्होंने क्या लिख दिया है, ए माइनस बी। हमको समझ में आया कि भाई ए माइनस बी नहीं, यहाँ ए प्लस बी होना चाहिए। तो जो ये एरर हुई आपने, यहाँ पे क्या हुआ, कंपाइलर को कुछ नहीं बोलेगा कि भाई तुमने कुछ गलती करी है, तो लग रहा है सब कुछ सही है क्योंकि सिंटैक्स तो पूरा सही था प्रोग्राम का, उसने प्रोग्राम को रन कर दिया हम लोग का और आंसर दे दिया -3 भाई। लेकिन हमको तो बताया भाई -3 को नहीं आना चाहिए, 17 आंसर आना चाहिए। उन्होंने देखा कि गड़बड़ कहाँ थी, तो ऐसे ही एरर्स को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एरर्स। ठीक, तो लॉजिकल एरर्स को यार थोड़ा ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि कंपाइलर तो उसको बताएगा नहीं, वो खुद ही देखना पड़ेगा कि कहाँ पे गड़बड़ होती है। तो लॉजिकल एरर ऐसी एरर होती है जिसमें हम लोग प्रोग्राम रन कर जाता है लेकिन आउटपुट थोड़ा अलग मिलता है, जो डिजायर्ड आउटपुट है उससे थोड़ा अलग आउटपुट मिलेगा हमेशा। ठीक, अगर कुछ एरर और लिखी है इसमें, जैसे सिमेंटिक एरर हो गई, टाइप एरर हो गई, रन टाइम एरर हो गई, ये सब समझना हो तो यार तुम लोग स्लाइड सर, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं सर सही है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वॉइस तो मेरी क्लियर हो गई, क्लियर है सर। ठीक है ठीक है, तो यार इसमें बाकी एरर्स लिखी हैं उनको इतना यूज नहीं है बस। हाँ अरे सर, ये परसेंटाइल डी लिखा है, इसका क्या मतलब है भाई? अभी बताया तो था, चलो अभी बताता हूँ लास्ट में, फिर से अभी बस खत्म होने वाला है, फिर बताता हूँ सेकंड डी का यूज क्या है। तो यार इसमें और भी एरर्स लिखी हैं, अगर ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो देख लेना, वैसे इनका इतना यूज नहीं है। तो बेसिकली एरर हम लोग करते हैं वो यही करते हैं, कौन सी, सिंटैक्स एरर और एक लॉजिकल एरर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हाँ, इसको देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है और एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है। पहले मैंने डिटेल में बताया था एक सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है और एक एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यार मान लो मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, प्रीवियस में एग्जाम्पल लेते हैं ए और बी को ऐड करने वाला, तो जो मैंने प्रोग्राम लिखा था, टाइप किया था, वो हम लोग का सोर्स कोड था। ठीक, क्योंकि वो किस में लिखा था, एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो मैंने उसको टाइप कर दिया। ठीक, अब टाइप कर दिया भाई, तो एक कंप्यूटर क्या होता है, वो बस बाइनरी लैंग्वेज समझता है या सिंपल बोले मशीन लैंग्वेज समझ पाता है 0-1 की, तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज तो समझ में आने नहीं वाली। हम लोग क्या करेंगे, तो सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में बनाएंगे। तो ट्रांसलेट कौन करेगा, कंपाइलर करेगा, इंटरप्रेटर करेगा। तो जैसे ही हम लोग उस सोर्स कोड को कंपाइलर के पास भेजते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, उस सोर्स कोड को एक मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। ठीक, वो मशीन लैंग्वेज की जो फाइल होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल, और उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .obj। ठीक, तो देखो राइट में फ्लो चार्ट भी बना हुआ है, क्या कि सोर्स कोड था, अब कंपाइलर के पहले सोर्स कोड किसके पास जाता है, मैंने बताया था प्री प्रोसेसर के पास जाता है। और प्री प्रोसेसर करता क्या है कि जितनी भी लाइन है
जिनके आगे हैश लगा है, उन लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेसर कमांड बोलते हैं, उन लाइन्स को हटा देता है और उनके जगह कुछ ना कुछ कोड डाल देता है, ठीक। तो सोर्स कोड पहले गया प्री प्रोसेसर के बाद, फिर प्री प्रोसेसर ने क्या किया, थोड़ा हम लोग को एक्सपेंडेड कोड दे दिया, मतलब उन लाइन्स को हटा के उनके जगह कुछ और कोड डाल दिया, ठीक। अब वो कोड कहाँ पर जाएगा, कंपाइलर के पास जाता है, तो कंपाइलर ने हम लोग को उस हाई लेवल लैंग्वेज में बने कोड को फिर ऑब्जेक्ट कोड बना के दे दिया, और ऑब्जेक्ट कोड किस में बना होता है, वो हमेशा होता है मशीन लैंग्वेज होता है, ठीक। तो उसके बाद क्या है कि जो कोड है हम लोग का वो जाएगा लिंकर के पास। अब लिंकर क्या करता है, लिंकर अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड को एक फाइल में कन्वर्ट करके देता है हम लोग का, तो उस फाइल को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट कोड और लाइब्रेरी कोड का मिक्सअप होता है, ठीक। वो करता कौन है उसको मिक्स करता है, वो लिंकर, ठीक। वो लिंकर क्या करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट कोड को उठाता है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल लाइब्रेरी फाइल्स को उठाता है, उन सबको एक एक फाइल में बना के हम लोग देता है, और उस फाइल को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक। अब तो ये एग्जीक्यूटेबल कोड है, इसको हम लोग रन कराते हैं तो कुछ इनपुट देते हैं, और इनपुट देने के बाद हम लोग को वो आउटपुट देता है कुछ ना कुछ रिजल्ट, ठीक। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल कुछ नहीं होता, ये बस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो शायद लास्ट स्लाइड हो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डाउट आएगी। तो यार लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं यार, फिर से वही दिया होगा कि टाइप कितने कंपोनेंट्स होते हैं एक सिंपल से सी प्रोग्राम के। फिर से बताता हूँ क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्राम। तो पहला कंपोनेंट होता है वो हम लोग का होता है प्री प्रोसेसर कमांड। प्री प्रोसेसर कमांड क्या होते हैं, एक ऐसे कमांड जिसकी स्टार्टिंग में हम लोग का हैश का सिंबल बना हो। अब ये करते क्या है कि हैश से स्टार्ट होने वाली जितनी भी लाइन होती हैं ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को हम लोग के प्रोग्राम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h ले सकते हैं या हैश इंक्लूड conio.h ले सकते हैं। तो ये सारे हम लोग के प्री प्रोसेसर कमांड होते हैं, ठीक। अब उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है फंक्शन। फंक्शन में बताया क्या होता है, ये कंटेनर की तरह वर्क करता है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स डाल देते हैं। वो कंपोनेंट कौन कौन से रखते हैं, वो होता है हम लोग का वेरिएबल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन भी हो सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर। फंक्शन क्या करता है, कुछ नहीं कुछ एक आउटपुट हम लोग को देता है, कुछ टास्क परफॉर्म करता है, ठीक। हम लोग फंक्शन बनाते हैं क्यों है यार, फंक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि किसी एक प्रोग्राम को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक। मान लो कि एक बड़ा सा जॉब है, एक बड़ा सा काम है, अब मुझे वो करना है, वो इजीली कब होगा, जब मैं उसको चार लोग को दे दूँ, तो चार लोग से बोलो आधा काम तुम करो, थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा काम तुम कर दो। तो हमने क्या किया, एक काम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यार प्रोग्रामिंग में भी हम लोग यही करते हैं, क्या करते हैं कि मान लो कोई एक बड़ा सा टास्क करना है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने उस टास्क को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। अब एग्जांपल क्या लें हम लोग, मान लो एग्जांपल हम लोग को एक नंबर है, उसको एक नंबर चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है, ठीक। तो यार नंबर प्राइम चेक कैसे करते हैं हम लोग, हम लोग क्या करते हैं कि उस नंबर से, मतलब जैसे मान लो 13 है, उसको चेक करना है ये प्राइम है कि नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, रेस कनेक्ट करो अपना। मान लो किसी नंबर को चेक करना है वो प्राइम है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस नंबर से लेकर 1 तक के सारे नंबर्स को डिवाइड करा के देखते हैं, 2 से फिर 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो हम लोग का वो प्राइम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा फंक्शन बना देंगे जिससे वो लोग डिविजन चेक कर ले रहा है हम लोग का, तो जैसे डिवाइड हो जा रहा है तो हम लोग का बता दे रहा है कि भाई ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है। तो यार बेसिकली ये समझो जो फंक्शन होते हैं वो हम लोग का हेल्प करता है किसी भी प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने के लिए, किसी प्रोग्राम को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए यूज़ करते हैं फंक्शंस को। अब स्टेटमेंट क्या होता है यार, स्टेटमेंट मैंने बताया जैसे ए प्लस बी लिखा है ये स्टेटमेंट है हम लोग का, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी लिखा है ये भी हम लोग का क्या एक स्टेटमेंट होता है, ठीक। इसके बाद हमने कमेंट देखा, कमेंट तो बता दिया था मैंने क्या होता है, ऐसी लाइन्स जो हम लोग की एग्जीक्यूट नहीं होती है, बस हम एक यूज़र को मैसेज देने के लिए यूज़ करी जाती है। यार अब 5 कंपोनेंट्स फॉर सी लैंग्वेज जो लिखे हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे, इसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे कि कैरेक्टर सेट क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। अब मैंने वैसे वेरिएबल और कांस्टेंट बता दिया था क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे हम लोग ऐसी वैल्यू स्टोर कराते हैं जो हम लोग की चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट क्या होता है जो चेंज नहीं हो सकता है। सर आज के लिए इतना ही है।